सबसे पहले मैं अपने भोजपुरी दर्शकों को सादर प्रणाम, नमस्कार, शुभाशीर्वाद यथा योग्य। मैं जयप्रकाश सिंह और हमारे मीडिया टीम को सहर्ष धन्यवाद जो यहाँ तक आए और इस जो फिल्म की शूटिंग चल रही है उसके बारे में मालूमात, जानकारी आप लोग तक पहुँचाएंगे। तो ये फिल्म है तेरे संग और इसकी शूटिंग चल रही है इस वक्त मिर्ज़ापुर के पखवैया गांव में। सर, किस प्रकार के किरदार है आपका इस फिल्म में? इस फिल्म में मेरा हीरो के बाप का किरदार है। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि हीरो की मदर नहीं है और मैंने उसको बचपन से बड़े लाड़ प्यार से और माँ बाप दोनों का प्यार दे के पाला है। ईश्वर कृपा से हर तरह की संपन्नता है, समृद्धता है। तो अपने बच्चे के लिए मैं, मतलब ऐसा दुनिया के कोई सुख न हो जो उसको न मिले, और बड़े अरमान से उसके पालन पोषण किया है और अपेक्षा रखता हूँ कि भाई वो मेरे हिसाब से चले। लेकिन इस कहानी में, इसमें कुछ एक जगह एक बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट मैं चाहूँगा कि ऑडियंस जाके खुद टीवी पर देखे, मोबाइल पर देखे या थिएटर में देखे। जहाँ तक मेरे साथ कम से कम चौथी फिल्म है ये गौरव जी के साथ, बड़े ही टैलेंटेड कलाकार हैं। और जैसा कि भोजपुरी में दौर है कि सिंगर ही हीरो होता है, उस चीज़ को इन्होंने नकारा है। एक एक्टर हमारे चिंटू पांडे जी, गौरव झा जी, इसी तरह से एक दो और, प्रेम सिंह एक नया लड़का आ रहा है। तो ये लोग सिंगर न होते हुए भी अपने फन, अपने आर्ट, अपने कला की बदौलत भोजपुरी दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं। तो अगर टैलेंटेड कलाकार है तो कहानी के हिसाब से अपने आप को चेंज तो करता ही है। मेरे साथ जो अब तक सीन हुए हैं, देखा संजना राज जी अच्छी टैलेंटेड लड़की हैं, सिंगर हैं और अच्छी बात है। और अब तक उनकी जो फिल्में कुछ रिलीज़ हुई हैं जो कब हिट भी रही हैं और लोगों ने उन्हें पसंद किया है, और उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म में भी दर्शकगण उन्हें पसंद करेंगे। निर्देशक या एक्टर बॉलीवुड में है, भोजपुरी कर रहा है, पंजाबी फिल्म कर रहा है, गुजराती फिल्म कर रहा है, काम सबका एक ही है, टेक्निक एक ही है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है। तो अगर उस भाषा में वो आदमी महारत हासिल किए, उस भाषा को बखूबी जानता है, उस भाषा की रवानी को जानता है और उसके बाकायदा अर्थ को समझता है, उसके जो फ्लो है वो समझता है, उसका जो फ्लेवर है वो समझता है, तो चाहे किसी भी लैंग्वेज से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक इस हमारे निर्देशक अरविंद यादव जी का सवाल है, अच्छे लगे मुझे, टैलेंटेड लगे, उनकी फ्रेमिंग, उनकी टेक्निकली स्ट्रांग है और क्या फ्रेम बनाते हैं एक्टर का, बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि डायरेक्टर साहब पहली फिल्म में युवा है, हाँ, प्रोड्यूसर भी युवा है, हाँ, यूपी भी युवा है जी, ये नौ युवा मिलके सिनेमा बना रहे हैं, हीरो युवा भाई देखिए। और आप भी कहीं भाई देखिए, हम तो एक तरीके से बुजुर्ग हैं लेकिन युवा लोगों के साथ रहकर पूरी कोशिश करते हैं कि भाई इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और जिस तरह चाहते हैं हम उस तरह से अपने फन को इनके साथ जाहिर करें। सर, बदलते आजकल भोजपुरी सिनेमा जो बदलाव दौर पे है, तो अभी दर्शकों से बदलाव के दौर की लेकर क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है। पहले हमारी बिहार, यूपी, राजस्थान की जो संस्कृति थी उसको स्टारडम के चलते लोगों ने मटिया मेट कर दिया था। परिवार के साथ बैठ करके, बहू बेटियों के साथ बैठ के देखना फिल्में बिल्कुल गंवारा नहीं होती थी, शर्म लगती थी, अपने आप में लिहाज होता था। लेकिन आज ये दौर जो चेंज हुआ है, साफ सुथरी फिल्मों का दौर आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे देश की संस्कृति कम से कम बरकरार रहेगी और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी ऐसी अच्छी फिल्में बने। थैंक यू वेरी मच सर। अगेन सारे दर्शकों को धन्यवाद देते हुए यही निवेदन कि आप लोग बस भोजपुरी फिल्मों को जिस तरह से अपना आशीर्वाद दे करके उनको प्रोग्रेस के लिए धनभागी किया है, इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रहें। धन्यवाद। जयप्रकाश सिंह।